नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट की। एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ का एरिया है 603 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के अकॉर्डिंग दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इंडिया की चौथी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये यूनियन टेरिटरी 33rd रैंक पर स्टैंड करती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट है 76.24%। लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग ये यूनियन टेरिटरी स्टैंड करती है 21st रैंक पे। कैपिटल यहाँ का है दमन। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का है सिलवासा। लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं इंग्लिश, कोंकणी, मराठी और गुजराती। व्हीकल कोड है यहाँ का DD। ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अल्कोहल यहाँ अलाउड है। इकोनमी यहाँ पर बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 एयरपोर्ट हैं, एक दमन में और एक दीव में। रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा करमबेली एंड वापी। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेट की। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 15वीं शताब्दी से दमन एंड दीव पे पुर्तगालियों का राज था और दादरा एंड नगर हवेली पे पुर्तगालियों ने सन 1818 में कब्जा किया और इस पर राज किया। प्रो इंडिया फोर्सेस ने 1954 में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को अपने कब्जे में कर लिया और ये दोनों 1961 में इंडिया का अभिन्न हिस्सा बन गए। 1954 से 1961 तक दादरा एंड नगर हवेली स्वराज्य था और उसके बाद 1961 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेशन 1962 से 1987 तक यूनियन टेरिटरी गोवा के साथ हुआ करता था और उसके बाद गोवा को 30 मई 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिल गया और दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जिसका नाम दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव DNHDD रखा। पहले सिलवासा, दादरा और नगर हवेली का कैपिटल हुआ करता था और दमन एंड दीव का कैपिटल दमन हुआ करता था। मर्जर के बाद दमन को इस नए यूनियन टेरिटरी का कैपिटल चुना गया। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव भारत के पश्चिमी तट पर लोकेटेड हैं और ये कुल 4 जिलों से मिलकर बने हुए हैं। दादरा एक छोटा इनक्लेव है जो गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। नगर हवेली एक सी शेप का इनक्लेव है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। दूसरी तरफ दमन एक इनक्लेव है जो गुजरात के तट पर स्थित है और दीव एक आइलैंड है जो गुजरात तट से थोड़ी दूर पर स्थित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पहुँचेंगे कैसे। दमन आने के लिए अगर हम ट्रेन से आ रहे हैं तो हमें वापी स्टेशन पर उतरना होता है जो कि 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ दमन एयरपोर्ट भी है, सो हम यहाँ फ्लाइट से भी आ सकते हैं। दादरा एंड नगर हवेली आने के लिए भी हमें वापी स्टेशन पे ही उतरना होता है जो कि यहाँ की पुरानी कैपिटल सिलवासा से महज 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दीव आने के लिए हम ट्रेन और फ्लाइट दोनों से आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है UNA ऊना, जिसका स्टेशन कोड भी है UNA। फ्लाइट से आने के लिए दीव में एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट की। दादरा एंड नगर हवेली विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है नवंबर से मार्च का और दमन एंड दीव विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च का, जबकि यहाँ का वेदर काफ़ी प्लीजेंट होता है और गर्मी काफ़ी कम होती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर घूमने के लिए जगह क्या क्या हैं। हमने टॉप 5 प्लेसेस लिए हैं दादरा एंड नगर हवेली के और टॉप 5 प्लेसेस लिए हैं दमन एंड दीव के। तो शुरू करते हैं हम दादरा एंड नगर हवेली से। फर्स्ट इज़ दुधनी लेक। स्वामी नारायण टेम्पल,
नक्षत्र गार्डन। डियर पार्क। सिल्वासा वसोना लायन सफारी। बात कर लेते हैं अब दमन एंड दीव में घूमने लायक जगहों की। फर्स्ट इज मिरासोल लेक गार्डन। गंगेश्वर टेंपल। दीव फोर्ट। जयपुर बीच। घोगला बीच। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ यूनिक चीज इस यूनियन टेरिटरी के बारे में। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। ये चारों जिले भारत का हिस्सा भारत की आज़ादी के बाद 1954 में बना। दोस्तों अगर आप कभी यहाँ आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।